वालेकुम फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आपको आज की वीडियो में बहुत अमेजिंग सी शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाई जा रही है। सो गाइस, सबसे पहले हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। आप जब भी स्लीव्स की कटिंग करती हैं, आप अच्छे से अपने स्लीव्स के साइज़ के हिसाब से इनको कट कर लेती हैं। सो गाइस, मैंने स्लीव्स की कटिंग आपको दिखा दी है। अब आप शर्ट्स की अपनी कटिंग कर लेती हैं। आप जितनी लेंथ रखना चाहें लेंथ रख के आप तिरे की कटिंग ऐसे कर लेती हैं। सो गाइज, अपनी चेस्ट के हिसाब से आप जितनी फिटिंग रखना चाहें आप फिटिंग रखती हैं। आप उतनी ही अपनी शर्ट रख के भी कटिंग कर सकती हैं। सो गाइज, आपने इसको अच्छे से कट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना दामन जितना रखना है आप उतनी ही नाप करके आप उसको कटिंग कर लेंगी शर्ट्स को नीचे से। सो गाइज, बेसिकली आपको स्टिचिंग दिखाने का ये फ़ायदा होता है कि कुछ लोग होते हैं जिन लोगों को फ्रंट की कटिंग करना नहीं आ रही होती, तिरे की कटिंग नहीं करना आ रही होती। गाइस देख सकती हैं आपको ग्ले से की कटिंग करनी दिखाई जा रही है शर्ट्स की। सो गाइस, जो लोग फ्रंट से ऐसी कटिंग नहीं करते हैं उनकी शर्ट की बिल्कुल भी सेटिंग नहीं होती, क्योंकि अक्सर लोग जो लोग स्टिचिंग करते हैं उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती हैं, स्पेशली जो लोग न्यूली स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप कोशिश करें कि आप जब भी शर्ट की स्टिचिंग करें तो आपने फ्रंट से ऐसी कटिंग ज़रूर करनी है जैसे कि मैंने आपको दिखाई है। सो गाइज़, मैंने स्लीव्स के डिज़ाइन बनाने हैं शर्ट पे, मैंने नेक डिज़ाइन बनाने हैं। सो मैंने सबसे पहले क्या करना है, नेक डिज़ाइन को कट करना है। गाइज़, आप ऐसे ही बुकरम लेंगे, आपने उसको पहले ट्रेस कर लेना है। सो गाइज़, मैं इसको ट्रेस कर लूँगी। आपको बोर्ड टाइप नेक डिज़ाइन दिखाया जा रहा है, आपने इसको ऐसे कट कर लेना है। गाइज, मोस्टली आपको आजकल बाज़ार से भी ऐसे कटिंग हुए हुए नेक मिल जाते हैं, डिज़ाइन मिल जाती हैं। आप इसको घर पे लाके जस्ट पेस्ट करके भी बना सकती हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको कटिंग दिखाई है, सो अगर आप सीखना चाहें तो आप बहुत इजीली सीख सकती हैं। बहुत इजी सा आपको गर्मियों के कपड़ों के लिए नेक डिज़ाइन दिखाया जा रहा है। सो गाइस, देख सकती हैं आपने बिल्कुल ऐसे ही कटिंग कर लेना है, क्योंकि कुछ लोग होती हैं जो लोग बहुत ज़्यादा बुकरम को कटिंग नहीं करती, और उससे क्या होता है कि आपका नेक जो होता है बहुत ही ठीक हो जाता है, और वो आपको बहुत अनकम्फर्टेबल से ही फील हो रहा होता है जब आपको नीचे से स्पेशली गर्मियों में फ़ील होता है नेक डिज़ाइन। सो गाइस, कोशिश करें कि नेक डिज़ाइन आप बारीक ही अपने लिए सिलेक्ट करें। सो गाइस, मैंने स्लीव्स के लिए कटाव वाले पैटर्न सेलेक्ट किए हैं। सो आपने भी ऐसे ही स्लीव्स के लिए अगर बनाने हो तो आप भी ऐसे ही कट सेलेक्ट कर सकती हैं। सो गाइज़, मैंने बुकरम से इसको काट लेने हैं। गाइज़, आप कोशिश करें कि जब भी आप डिज़ाइनिंग करें पहले आप इसको ट्रेस कर लें अच्छे से। सो फ्रेंड्स, आप इसको वन बाय वन कटिंग कर लेंगी। कटिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, स्पेशली जब आपने स्लीव्स बनानी हो, नेक डिज़ाइन बनाने हो। सो गाइज, जो लोग न्यूली स्टिचिंग सीखना चाहती हैं, गर्ल्स होती हैं, लेडीज़ होती हैं, जिन लोगों को स्पेशली बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं अपने बच्चों वगैरह के अगर आप कपड़े स्टिच करने होते हैं आपने स्पेशली गर्मियों के। सो गाइज़, ये देख सकती हैं आप, आपको दोनों स्लीव्स के लिए कटिंग पैटर्न दिखाए जा रहे हैं, नेक डिज़ाइन आपको दिखाया जा रहा है। सो गाइज़, अगर आप इसको फ्रंट से इसको कट करना चाहें आप फ्रंट से कट भी कर सकती हैं, आप इनको बंद भी बना सकती हैं, जो कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में दिखाऊंगी कि मैंने इसको किस तरह से आगे से खोल कर कट स्टाइल में स्लीव्स बनाई हैं। सो गाइज़, अगर आप स्लीव्स की कंप्लीट स्टिचिंग सीखना चाहती हैं तो काइंडली मेरी दोनों वीडियोस को देखिएगा। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपको जस्ट नेक की स्टिचिंग दिखाई जा रही है, आपको सेकेंड वीडियो में स्लीव्स की कम्प्लीट स्टिचिंग मिलेगी। सो गाइज़, अगर आप कंप्लीट स्टिचिंग देखना चाहती हैं नेक की स्लीव्स की तो काइंडली वीडियो को दोनों वीडियोस को देखिएगा, इस तरह आपको बहुत इजीली दोनों डिज़ाइंस बनाने आ जाएंगे। सो गाइज़, बोट नेक डिज़ाइन है, बहुत अमेजिंग कलर है आपको शर्ट के दिखाए जा रहे हैं। आप ऐसे कलर कम्बिनेशन भी पिक कर सकती हैं। गाइज़, इस पर कुछ भी नहीं यूज़ किया गया, ना लेस यूज़ की गई है ना पाइपिंग यूज़ की गई है, बहुत इजीली आप बना सकती हैं। नॉर्मल कैजुअल डेली वेयर ड्रेसेस पे आप ऐसे नेक डिज़ाइन बना सकती हैं। सो फ्रेंड्स, जो लोग लेस यूज़ नहीं करते, पाइपिंग यूज़ नहीं करते, जो लोग ऐसी चीज़ें लाइक नहीं करते, उनके लिए आज की वीडियो बहुत यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, आपने अपने शर्ट के कपड़े के साथ का ही नेक डिज़ाइन आप इस पर पेस्ट करती हैं और वैसे ही आपने इसको बना लेना है। बहुत सिंपल है ये।
गाइस आपने एक डिज़ाइन को अलग कपड़े पे लगाकर शर्ट्स के फ्रंट पे स्टिच कर लेंगी। गाइस नेक डिज़ाइन बनाने बहुत इजी होती हैं, बट अक्सर गर्ल्स होती हैं जो लोग कहते हैं कि हमें नेक डिज़ाइन बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं। सो गाइस मैं अपने ऐसे ही वॉइस के लिए बहुत सिंपल इजी से नेक डिज़ाइन लेकर आती हूँ। सो गाइस मेरी वीडियोस को एंजॉय किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, नीचे लगे हुए बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले मेरे लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, आप न्यू डिज़ाइन न्यू आइडियाज़ सबसे पहले कैरी कर सकें। सो गाइस जब आपने एक डिज़ाइन को स्टिच कर लेती हैं आप अंदर से एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगी। गाइस कोशिश करें कि जब भी आप उस कपड़े को काट रहे हो अंदर से एक्स्ट्रा कपड़े को, आपकी बुकरम बिल्कुल भी ख़राब ना हो। सो गाइस आपने इसको प्रेस कर लेना है अच्छे से नीचे वाली साइड पे निकालने के बाद। सो गाइस मैं इसमें पर्ल यूज़ कर लूँगी, आप जस्ट वन पर्ल यूज़ करेंगी और इसकी आपको बहुत अमेजिंग से लुक आएगी। सो गाइस देख सकती हैं पर्ल यूज़ किया गया है और आप भी ऐसे ही पर्ल यूज़ कर सकती हैं। सो गाइस हमारा नेक डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और स्लीव डिज़ाइंस की जो मैंने आपको कटिंग दिखाई है कंप्लीट देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें, मेरे चैनल पे विज़िट करें।